नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निया टीवी में। हम खड़े हैं टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के मल्टीपर्पज हॉल में, जहाँ पे चल रहा है महादान ब्लड डोनेशन कैंप, जिसे टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ने ऑर्गेनाइज किया है। आइए हम जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे पूछें कि उन्हें एडवाइस किसने दी और उन्हें कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके। मैम, आप बताइए कि आपने ब्लड डोनेट मेनली किया क्यों है, आपकी क्या सोच कर किया? लास्ट टाइम मैंने जब किया था कॉलेज में फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, तो इस बार भी मैंने अच्छा फील हुआ इसलिए किया। मतलब आप पहले भी दे चुके हो? अच्छा, तो आप जो लोग नहीं दे रहे हैं उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी ब्लड डोनेट करें? उनको करना चाहिए, मैं तो उन्हें यही कहूँगी, आप करके देखो, आपको अच्छा फील होगा। तो आप बताइए कि आपने ब्लड डोनेट करने का कैसे सोचा और क्या आप पहले भी ब्लड डोनेट कर चुके हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरे को करना है, ये मतलब मेरे को अच्छा लगता है करना है मतलब। तो आज ये पहले मेरे को फर्स्ट टाइम मिला तो मैंने किया। तो जो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे, आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे कि वो भी डोनेट करें? मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मतलब दिल से आनी चाहिए फीलिंग। आप ये बताइए कि इसका ब्लड डोनेशन कैंप का मेन मोटिव क्या है और आपने क्या सोच के यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया? एक्चुअली ब्लड डोनेशन इसलिए किया जाता है जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसे ब्लड यूनिट मिल पाए। बहुत सी हमारे कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर टाइम पर ब्लड नहीं मिल पाता, तो हमने इसलिए किया हुआ है कि कोई भी हमारा ये है, कोई भी एंड यूजर ऐसा ना बचे जिसे ब्लड की ज़रूरत हो उसे ब्लड ना मिल पाए, और ब्लड देने वाले को भी फ़ायदा रहता है और जिसको ब्लड मिलेगा उसको भी बहुत फ़ायदा होता है, ये सोच के हमने ये ऑर्गेनाइज़ कराया है। ये इवेंट NSS के अंडर में हुई है। नमस्कार, तो अब मैं विधि आपके साथ जुड़ चुकी हूँ टेक्निया टीवी पे ब्लड डोनेशन कैंप में। आइए जानते हैं कुछ डॉक्टर्स से कि ये ब्लड कहाँ जाता है, किस तरह स्टोर होता है, आइए जानते हैं। सो ये ब्लड जो आप लेके जाते हैं, पहली बात तो ये कितने दिन तक वैलिड रहता है? ये 35 डेज तक वैलिड रहता है। इससे हम दो कॉम्पोनेंट सेपरेट करते हैं, रेड ब्लड सेल और FFP। रेड ब्लड सेल 35 डेज में एक्सपायर हो जाता है, जो विद इन 35 डेज हमें यूज़ करना होता है और यूज़ भी हो जाता वो। और ये बेसिकली एलिजिबिलिटी का कैसे पता चलता है हमें कि कौन एलिजिबल है और नहीं है? एलिजिबिलिटी के लिए हम एक डोनर फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे उन्होंने 24 आवर्स में अल्कोहल तो नहीं लिया, कोई एनिमल बाइट हुआ है, या कोई इन्फेक्शियस मार्कर टाइप कोई टेस्ट हुआ है उनको, अगर कोई पॉजिटिव है तो उनका हम ब्लड नहीं लेते, और एम्प्टी स्टमक कभी भी हम ब्लड नहीं लेते, उसमें ये सारे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद ही हम डोनर क्राइटेरिया में, उसके बाद हम चेक करते हैं कि डोनर का हीमोग्लोबिन ठीक है, अगर उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा होगा तो ही हम उसकी डोनेशन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो सर, जैसे हीमोग्लोबिन कम है आपने बताया, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली इंक्रीज करने का आप कोई टिप अगर दे दें ऑडियंस को? स्प्राउट्स खाओ, और अभी तो जैसे ड्राई फ्रूट्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ, पालक वगैरह सर्दियों में चलती है वो खाओ, उससे हो जाएगा ठीक। गुड़ और चना खाएंगे, उससे भी ठीक हो जाएगा। और जो लोग बेसिकली डोनेट यहाँ कर रहे हैं उनको आगे जाके ब्लड अगर उनको ज़रूरत पड़े, फैमिली मेंबर को या किसी को, कोई बेनिफिट उसके लिए? हम एक डोनर कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ हमारे यहाँ डोनेट करते हैं ब्लड, वो जितने भी रीजनल ब्लड बैंक्स हैं वहाँ वो कार्ड वैलिड है, जिसने ब्लड डोनेट किया उनके फर्स्ट ब्लड रिलेशन के लिए 1 साल तक वो वैलिड है कार्ड, वो कहीं से भी ब्लड ले सकते हैं। अगर कहीं अवेलेबल नहीं है और हमारे ब्लड बैंक में है तो वो हमारे ब्लड बैंक आके भी ले सकते हैं ब्लड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी इजाज़त, कैमरामैन हरीश के साथ विधि कपूर, टेक्निया टीवी दिल्ली।